बेटा को कालिक लगाई दो। अरे बेटा, उसे कालिक नहीं, पॉलिश कहते हैं। अरे बिटवा, कुछ खास खबर है क्या अखबार माँ? नहीं अम्मा, कुछ खास नहीं, वही रोज की खबरें हैं। अरे सुनती हो, सूरज सर पर आ गया है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जी अभी लाए। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया, जब कुछ चीज लेके आते हैं उसे प्लेट में रखकर लेके आते, जाओ उसे प्लेट में रखकर लेके। ठीक बात। चूल्हा माँ जल गया। अरे पगली, तुम्हें कितनी बार समझाया, जब कुछ चीज जल जाती उसको बर्नर लगाते हैं। ये लो और लगाओ। ठीक बा। अम्मा भूख लगी है। अरे पिंकी बेटा, खाए खाए के मुटिया रही हो, जरा चुप बैठो। हाय दैया, हमारी रोटी तो जल गई, अब डप्पू के पापा हमें बहुत डांटेंगे। कुछ जल जाए उनका बर्नर लगवाई ले। अरे ये बत्तू कहाँ से आ रही है, रोटी को क्या लगाया है? आप ही ने तो कही थी, जब कुछ जल जाए उनका बर्नर लगवाई ले, हमने लगवा लिए। अरे पगली, बुलनॉल नहीं बर्नॉल होता है। सही पकड़े हैं, जाओ जाकर हमारे जूते ले आओ। अरे बेटा, इतना गुस्सा नहीं करत है, वो अंग्रेजी में तू का कहत है, टिल टिल। अम्मा टिल नहीं, चिल। अरे ये क्या, तुमने जूते प्लेट में क्यों रखे हैं? आप ही ने तो कही थी, जब कुछ चीज लाओ तो प्लेट में रख के लाना, हम ले आए। कहाँ फंस गया मैं गवर फैमिली में? अम्मा हम इसीलिए कहते थे कि पढ़ी लिखी बहू लाओ। अम्मा हम शहर जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। वेटर प्लीज टू गप्टी। चा माला मला गप्टी म्हणतोस, तू गप्टी, तुझी आई गप्टी, तुझा बाप गप्टी, तुझा अक्का खानदान गप्टी। अरे बाबा, दो कप चाय मांगी है मैंने। अस का बर, दोन कप चाय आणतो। लोग कुछ भी समझ लेते हैं। अरे पिंकी बेटा, देख आओ ना कौन आया है। अम्मा डाक बाबू आए हैं। अरे पिंकी बेटा, स्कूल नहीं गई क्या? या स्कूल। अम्मा जी, क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, कहो कैसे आना हुआ? कोई श्याम लाल जी की चिट्ठी आई है, इसे तुम ही पढ़ के सुनाई दो। अम्मा जी बहुरिया से पढ़वा लो, हमें जल्दी है। बहुरिया को कहाँ पढ़ना आवाज है, इसे तुम ही पढ़ के सुनाई दो। अम्मा जी ये श्याम लाल जी कौन है? बहुरिया के पिता, मतलब हमारे समधी। लिखा है कि श्यामलाल जी आज मर गए। बहुरिया, जाने वालों को कौन रोक सकता है? बहुरिया, जाने वालों को कौन रोक सकता है? क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रहे हो? वो डाक बाबू आए थे, वह कह रहे थे कि श्यामलाल जी आज मर गए। बहुरिया, अम्मा इस गांव में सब गवार बसे हैं, इसमें लिखा है कि श्यामलाल जी आज अजमेर गए हैं, अजमेर मर नहीं गए, इसीलिए हम कहते थे कि पढ़ाई लिखाई का महत्व समझो। अगर आज पिंकी की माँ पढ़ी लिखी होती तो चिट्ठी भी पढ़ लेती। हाँ, आज हमें समझ में आया है कि पढ़ाई लिखाई जीवन में कितना महत्व है। आज से पिंकी और बहुरिया को रोज पढ़ने भेजेंगे। शिक्षा से करो